हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि हम 5 डिफरेंट वेज के जो है ना वो आईलाइनर लगाना सीखेंगे। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप लोग मेरे कितने बड़े बड़े दाने निकले हुए हैं। सो पता नहीं क्यों निकल आए और जा भी नहीं रहे, मेरे पूरे फेस पे ऐसे ही दाने हैं। सो इस वजह से जो है मैं कोई मेकअप वीडियो भी नहीं शूट कर रही थी, बट ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सो आई थॉट कि करा कोई जुगाड़ निकाल और बना ले वीडियो, अभी ये तो पता नहीं कब जाए कब ना जाए। सो आज की वीडियो में जो है मैंने 5 डिफरेंट आईलाइनर जो है वो ट्राई किए हैं, अब जो है हम उनकी तरफ चलते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जी तो नंबर 1 आईलाइनर जो है वो बिल्कुल सिंपल आईलाइनर मैंने ड्रॉ किया है, जो कि आपकी इनर कॉर्नर से स्टार्ट होता है और आउटर कॉर्नर पे ख़त्म हो जाता है। अब आप वो देखने पहले कैसे मैंने अप्लाई किया है। बिल्कुल आराम आराम से जो है मैंने एक सिंपल सी जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल आईलाइनर, इसे हम कह सकते हैं सिंपल आईलाइनर। जी ये है सिंपल आईलाइनर हमारा। जी तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है सिंपल आईलाइनर। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप इनर कॉर्नर से ब्रेक और आउटर कॉर्नर से मोटा लगाएं तो इससे आपकी आंख खुली खुली लगेगी। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। जी तो नंबर 2 जो है हम इसी से ड्रॉ करेंगे, इसका जो है छोटा सा बाहर को विंग निकाल देंगे। ये जो है आप डेली यूज़ के लिए जो है ना डेली रूटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आईलाइनर जो है मुझे पर्सनली ख़ुद बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट लगता है लगा हुआ ना। तो अब आप देख सकते हैं इसे आंख जो है कितनी खूबसूरत लगती है, मतलब आंख में, मतलब पर्सनली मुझे ये आईलाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है। जब विंग आईलाइनर इतना नहीं था, जब ये आईलाइनर बहुत ज़्यादा था और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है छोटी आई स्पेस पर। अगर आप मस्कारा लगा लें ना खाली तो आपकी आँख की लुक ही चेंज हो जाती है। अब हम चलते हैं आईलाइनर नंबर 3 की तरफ। जी तो आगे जो है दो विंग आईलाइनर मैंने, तीनों जो है ना विंग आईलाइनर के साथ हैं। विंग आईलाइनर जो है ना लगाना इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग को लगता है। पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था। आपने जो है ना अपनी आईज़ के इधर साइड से आउटर कॉर्नर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन जो है ना उस लाइन को जो है ना मिला देना इनर कॉर्नर के साथ। बहुत ही सिंपल और ईजी है, पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था लेकिन अब मुझे आसान लगता है। हाँ एक चीज़ होती है कि मतलब दोनों आंखों का सेम लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये भी मुश्किल नहीं लगता। तो अब आप देख सकते हैं, अब जो है यहाँ से मेरा थोड़ा सा ब्रेक है तो इसको जो है मैंने मोटा कर दिया, तो ये जो है हमारा आ गया नंबर 3। अब नंबर 4 जो है हम इसी से क्रिएट करेंगे सिंपल जो है ना। यहाँ से जो है ना मैंने बाहर को जो है थोड़ा सा आईलाइनर इनर कॉर्नर की तरफ जो है चोंच बना देनी है, जैसे ये अपने में इस मेकअप लुक में जो है बनाया था। ये मेरी आंख पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो उसके बाद से जो है मैं इस तरह का ही आईलाइनर लगाती हूँ जब भी लगाती हूँ। चाहे मैं विंग ना भी बनाऊँ, बस जो है ना इनर कॉर्नर पर ऐसे कर देती हूँ, तो इससे मेरी आँख बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अगर आप ही में मेरी इस तरह छोटी छोटी आईज हैं तो आप लोग भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपकी आँख पर। यहाँ पर जो है मेरी आँख से पानी निकल रहा था, तो यहाँ पर जो है लाइनर थोड़ा सा ख़राब हो गया, सो माजरत। बट मैंने आपको यहाँ पे पिक दिखा दिया कि किस तरह का ये आईलाइनर है और किस तरह आपने अप्लाई करना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो है हम जल्दी से जो है इन दोनों को रिमूव कर लेते हैं, देन जो है हम चलते हैं अपने लास्ट नंबर 5th आईलाइनर की तरफ। अब हम ये जो है ना रिमूव करके जल्दी से वापस आते हैं। यहाँ पर जो है मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। पहले एक कॉटन पर आपने वो लेना है कोकोनट ऑयल और उसे साफ़ कर लेना, देन उसके बाद जो उसको साफ़ कॉटन लेके उससे जो है ना वो साफ़ कर देना कोकोनट ऑयल। अब हम चलते हैं अपने नंबर 5th आईलाइनर की तरफ। जी तो नंबर 5th आईलाइनर है और मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा बाहर को जो है हमारा विंग जाएगा। सो ये जो है लॉन्ग विंग आईलाइनर आप कह सकते हैं। सिंपल आपने जो है जो हमने नंबर 1 पे जो है आईलाइनर अप्लाई किया था वो अप्लाई करना है, देन जो है आपने बड़ा सा विंग बाहर को मतलब ऐसे लाइन लगानी है बड़ी सी और उसको जो है ना इनर कॉर्नर की तरफ आपने मिलाते हुए जो है ना अपना आईलाइनर डन कर देना है। ठीक है, पहले आपने सिर्फ इस तरह लाइन लगानी है, देन जो है आपने इसको जो है अपने इनर कॉर्नर की तरफ जो है ना इसको मिला देना और इसकी विंग जो है थोड़ी सी बाहर को निकाल देनी है। ठीक है, और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से मोटा रखेंगे और ये इसका विंग आ गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इस जिसमें जो है हमने 5 आईलाइनर लगाना सीखे। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।